किसी दो बात सहन कर लो, किसी ने दो शब्द बोल दिए सहन कर लो मेरे भाई। यदि सहन कर लिया, इससे बड़ा कोई तपस्या नहीं, इससे बड़ी कोई साधना नहीं है। सबसे बड़ी साधना यही है, सासू ने कुछ कह दिया सहन कर लीजिए, बहू ने कुछ कह दिया सासू सहन कर ले, देवरानी ने कह दिया जिठानी सहन कर ले, इससे बड़ी कोई साधना और इससे बड़ा कोई पर्युषण पर्व जीवन में दोबारा आने वाला। जहां भावनाएं हो, जहां संवेदनशीलताएं हो, जहां त्याग हो, जहां बलिदान हो, जहां एक दूसरे के मान सम्मान का ध्यान रखा जाए, उस समूह को मैं परिवार का नाम दिया करता हूं। वह परिवार समझा जाता है, परिवार ध्यान रखना। मान्यवर परिवार बिखर रहा है, मकान बन रहा है, परिवारों को संभालने की कला सीखी। आखिर दो भाइयों के बीच ऐसा क्या घट जाता है, ऐसी कौन सी बात आ जाती है कि एक भाई दूसरे भाई का दुश्मन बन के खड़ा हो जाता है, ऐसा क्या बात मन में आ जाती है बड़े होते होते कि एक भाई कहता है ये धंधा तेरा है और एक भाई कहता है ये धंधा मेरा। परिवार बट जाता है, धंधे अलग अलग हो जाते हैं, व्यापार बट जाते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि एक खून इतना भी बट जाया करता है कि एक दूसरे से बोलना और देखना भी पसंद। ये हालात है हमारे देश के, भाई भाई में झगड़े हैं, बेटे और पिता की नहीं बनती है, और हम धर्म की बड़ी गहरी गहरी बातें किया करते हैं। मान्यवर जिस परिवार में दो भाई साथ साथ रहा करते हैं, जिस परिवार में चार भाई साथ साथ रहा करते हैं, जिस परिवार में एक दूसरे के बच्चे ये नहीं बताते कि ये मेरे चाचा का लड़का है, ये मेरे ताऊ का लड़का है, वह परिवार जिसमें दादा दादी भी साथ रहा करते हैं, एक बात ध्यान रखना, धरती का इससे बड़ा स्वर्ग दुनिया में कोई दूसरा नहीं हुआ करता है। और जहां भाई भाई से बोलचाल ना हो, जहां देवरानी जिठानी एक दूसरे से देखना पसंद ना करें, माँ बाप के रहते रहते दो भाई अलग हो जाएं, तो इससे बड़ा नरक दुनिया में कोई दूसरा नहीं हुआ करता है। नरक है वो परिवार जहां रिश्ते आपस में बात नहीं किया करते हैं। कभी कब्रिस्तान को देखा है, देखना किसी शमशान को, कब्रिस्तान को, वहां एक कब्र में एक कब्र दूसरी कब्र से ज्यादा दूर नहीं होती है, कितने एक फिट दो फिट दूर होगी। एक मुर्दा लेटा है, उसके बाजू में दूसरा मुर्दा लेटा है, फिर थोड़ा चलो तीसरा मुर्दा लेटा है, हजारों मुर्दे कब्रिस्तान में लेटे होते हैं। लेकिन कभी एक बात ध्यान रखना, ये कब्रिस्तान में लेटे हुए मुर्दे केवल लेटे रहते हैं, एक दूसरे से बात नहीं किया करते हैं, एक दूसरे से संवाद नहीं किया करते हैं, एक दूसरे की तरफ देखा नहीं करते हैं। तो जिस घर में चार भाई एक दूसरे से बात करने को तैयार ना हो, तो वो घर घर नहीं, मेरी नजरों में कब्रिस्तान हुआ करता है। अरे कब्रिस्तान में तो फिर भी ध्यान रखना, मुर्दा लेटे होते हैं, लेकिन घरों में यदि बोल चाल नहीं है तो आदमी जीती जापती लाश सा जीवन जिया करता है, जिंदगी उसकी मुर्दों की तरह हुआ करती है, बोल चाल नहीं है, एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। मेरे देश की संस्कृति एक कलात्मक इमारतें नहीं है, कुतुब मीनार, ताजमहल, अजंता एलोरा की गुफाएं, लाल किला, ये मेरे देश की संस्कृति नहीं है मेरे भाई। यदि ये मेरे देश की संस्कृति हो जाएगी तो मेरा देश तो पत्थरों का देश हो जाएगा, लेकिन भारत पत्थरों का देश नहीं, ये संवेदनाओं का देश है, ये दिलों का देश हुआ करता है। हमारी पहचान क्या है, हमारी पहचान है मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे,
मोती, कौन सा सोना उगलती इस देश की धरती, कौन सा हीरा मोती उगलती है इस देश की धरती। हाँ, इस देश की धरती ने ये कंकड़ पत्थरों के हीरे मोती को महत्व नहीं दिया। मेरे देश की धरती तो ऐसे हीरे उगला करती है, ऐसे मोती उगला करती है, ऐसे जवाहरात इस दुनिया को दिया करती है। जहां एक पिता यदि वचन दे देता है अपनी पत्नी को, तो मेरे देश का हीरा 14 वर्ष को वनवास स्वीकार कर लिया करता है। एक माँ पिता के वचनों को, ये हीरे हैं, ये कंकड़ पत्थर वाले हीरे मोती नहीं है, ध्यान रखना। असली हीरा वो जो पिता के वचनों की खातिर 14 वर्ष का वनवास स्वीकार कर लिया करता है। मान्यवर, दशरथ ने वचन दिए थे रानी कैकेयी को, विचार करिए आप, उसकी जगह आज का बेटा होता तो कहता कि आपने अपनी पत्नी को वचन दिया है, उसे मैं क्यों भोगूं, मैं क्यों वनवास जाऊं, मैं क्यों जंगल जाऊं। आप पत्नी के प्रेम में पत्नी को वचन दे गए और बेटा वनवास जाएगा। और वो भी ध्यान रखना, कितना महान हीरे मोती थे वो, जिन्होंने ये भी नहीं कहा कि कौन सा तुमने हमारी सगी माँ को वचन दिया है, अरे सौतेली माँ को वचन दिया है उसे निभाने हम क्यों जाएंगे, हम क्यों तुम्हारे बच, नहीं कहा। असली हीरे मोती ये हैं हमारे देश के, ध्यान रखिए। चल दिए राम लक्ष्मण वन की ओर बिना कोई प्रश्न किए। मान्यवर, धन दौलत से परिवार नहीं चलता, भाईचारे से परिवार चला करता है, ध्यान रखिए। भाईचारा होना चाहिए हमारे। देखो, ताली बजाना है ढंग से बजाए, नहीं बजाना तो मत बजाओ। अब बजा भी रहे हो, आलस भी आ रहा है, जरा अच्छी बात लगे, दिल को छुए तो बजाइए, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है, ध्यान रखिए। मान्यवर, विचार करना है कैसे कैसे भाई हमारे देश में हुए हैं। ये परिवार यदि चलेगा तो भाईचारे से चलेगा, अनुशासन से परिवार नहीं चलता है। प्रेम अनुशासन से परिवार चला करता है। अनुशासन में भी प्रेम होना चाहिए, डांट में भी प्रेम होना चाहिए, ध्यान रखिए। यदि प्रेम को खत्म कर दिया तो जिंदगी बड़ी बोझिल हो जाएगी। अनुशासन में भी प्रेम जोड़ दिया जाए तो अनुशासन अनुशासन नहीं बल्कि प्रेम अनुशासन बनकर के खड़ा हो जाया करता है। मान्यवर, आपसे निवेदन है, यदि दो भाई अलग अलग हो जाएंगे, माता पिता से अलग रहोगे, तो एक बात बताओ बारामती वालों, कि तुम पर अंकुश कौन लगाएगा, तुम्हारी पत्नी पर अंकुश कौन लगाएगा, तुम्हारी जिंदगी को मर्यादित कौन करेगा। आज बुजुर्ग हैं इसलिए हमारे घर में मान मर्यादाएं, संस्कार और इज्जत बरकरार हुआ करती है, वरना कब की अदब इस दुनिया से गायब हो गई। बड़े बुजुर्ग हमारे घरों में जरूर होना चाहिए, अलग होने का प्रयास मत करो। पहले का वो जमाना था कि हर तरह से कोशिश होती थी कि परिवार टूटने ना पाए। आज का जमाना है कि हर तरह से कोशिश होती है कि हम भी अलग हो जाएं और तुम भी अलग हो जाओ। जोड़ो परिवारों को। एक नारी यदि संकल्प कर ले कि मैं अपने परिवार को बिखरने नहीं दूंगी, एक नारी, ध्यान रखना, मुझे क्षमा करना, जब तक इनकी शादी नहीं होती, दो भाई बड़े प्रेम से रहा करते हैं, लड़ लेते हैं, झगड़ लेते हैं, फिर एक हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही देवी आ जाती है, घरों में दीवारें खड़ी हो जाती हैं, परिवार बट जाता है, अलग अलग हो जाया करते हैं। एक बात, एक आदमी ने मुझसे कहा कि अगर माँ बाप की जिम्मेदारी लड़कियों पर आ जाए, अगर माँ बाप की जिम्मेदारी लड़कियों पर आ जाए, तो इस देश में एक भी वृद्धाश्रम दिखाई नहीं देगा, ध्यान रखिए। अगर माँ बाप की जिम्मेदारी लड़कियों पर आ जाए,
तो इस देश में एक भी वृद्धाश्रम दिखाई नहीं देगा। लड़के ने कहा, अगर सभी लड़कियां सास ससुर को मां बाप का दर्जा दे दें तो देश में एक भी वृद्धाश्रम दिखाई नहीं देगा, पूरी दुनिया में कहीं भी वृद्धाश्रम के दर्शन नहीं हो। ध्यान रखें, एक लड़की मां बाप की चिंता करती है, सास ससुर की नहीं। यदि हर बेटी सास ससुर को माता पिता समझने लगे तो हिंदुस्तान तो क्या, पूरी दुनिया में वृद्धाश्रम बंद हो जाएंगे, हर घर स्वर्ग में परिवर्तित। दोनों की जिम्मेदारी, लड़कों की भी जिम्मेदारी है और लड़कियों की भी, घर को स्वर्ग बनाने। एक नारी संकल्प कर ले कि किसी भी परिस्थिति में मैं अपने परिवार को टूटने नहीं दूंगी। क्यों टूटता है परिवार? शादी करके आती हैं आप, बहू बनकर आती हैं, परिवार के टूटने का कारण क्या है? किसी ने कुछ कह दिया, आप इसे बाहर हो जाते हैं, सहन शक्ति नहीं है, धैर्य नहीं है, हमको उसने ऐसा क्यों बोल दिया? अरे बोल दिया तो बोल दिया, लखनऊ के नवाब के बेटे अभी जाके देखो, जो कभी नवाब बने घूमा करते थे, आज उनके बेटे रिक्शे चला रहे, तांगे चला रहे हैं। ध्यान रखना, आदमी की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कब राजा को रंक बना दे और कब रंक को राजा बना दे। नग्न रहना कोई बच्चों का खेल नहीं है। दिन भर एक से एक रूप से स्त्रियां आती हैं, हजार आकर्षण दिखते हैं, लेकिन हजार आकर्षण के बीच में जो निर्विकार और निर्वासना में जीता है वो दिगंबर सत्ता हुआ करता है। मानिए, सोचना, एक आदमी ने, पत्रकार ने पूछा कि महाराज आप नग्न रहते हैं और स्त्रियां आपके पास आती हैं, आपके कक्ष में, आपको कैसा लगता है? अरे मैंने कहा मुझे कैसा लगेगा? बोले नहीं आप बताइए, मैं जनरल प्रश्न पूछ रहा हूं। मैंने कहा मुझसे पूछ रहे कैसा लगता है? मैंने कहा मुझसे मत पूछो, घर जाओ और अपने 2 साल के निर्विकार नंगे बच्चे से पूछना कि उसकी मां बहन कमरे में आती है तो उसे कैसा लगता है। मैंने कहा जब तुम बहुत छोटे थे और मां के आंचल में जब दूध पीते थे तो बोले मां के आंचल में हाथ रखने पर तुम्हें कैसा लगता था? विचार करिए, सोचना है आपको, जब भी माताएं बहनें आती है ना तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरी मां है और मैं इनका छोटा सा बालक। निर्विकार निर्वासना में आते थे तो जेब से बादाम गिरती थी, सुपारी गिरती थी, अक्षत गिरा करता था, अब आते हैं नमोस्तु करते हैं तो माणिक चंद विमल लियो बादशाह गुरु। मैंने कहा कर दिया खाना गुरु को ही शुरू, अब क्या होगा तुम्हारा गोल्ड मार? वाहरे आदमी, ये गिरता है आदमी के जेब से, ये चरित्र है हमारा। विचार करिए, गुटखा खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं। ध्यान रखिए मान्यवर, यदि बच्चे हमारे गलत काम ना करें उससे पहले बड़ों को अपने दर्पण में मुंह देखना चाहिए। यदि एक बाप ही पान मसाला खाएगा, एक बाप ही गुटखा खाएगा, एक बाप ही बच्चे से सिगरेट मनाएगा तो बताइए किस हैसियत से वो बच्चों को मना कर सकता है कि बेटा सिगरेट मत पीना, बेटा मसाला मत खाना। अरे युवा पीढ़ी को सुधारने से पहले हमारी प्रौढ़ पीढ़ी को अपना जीवन बदलना होगा। हमारे बुजुर्गों को, तुम तंबाकू खा रहे हो, तुम मांस मसाला खा रहे हो और बच्चों से कह रहे कि आप ऐसा मत करिए, आपकी बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मान्यवर, एक माँ बाप अपनी औलाद को जिंदगी भर नहीं बदल पाते हैं और एक संत अपने आप के बच्चों को 1 घंटे के सत्संग में जीवन बदल के रख दिया। क्यों? क्योंकि हम जो करते हैं वही बोलते हैं। तुम केवल बोलते हो, करते नहीं हो। ध्यान रखिए, साधु जुबान से ही नहीं बोलता, साधु अपने जीवन से भी बोल करके दिखाता है। ध्यान रखिए, आपके बच्चे मेरा कहना मान जाते हैं। मैं कहता हूँ बेटे मंदिर जाना, हाँ महाराज जाऊंगा। मैं कहता हूँ बेटा सिगरेट नहीं पीना, हाँ महाराज नहीं पीऊंगा। आप जिंदगी भर का हो तो नहीं सुनेंगे। ध्यान रखिए, क्यों? क्योंकि तुम्हारे ओंठों पर सिगरेट लगी है। ध्यान रखिए, आदर्श बन करके दिखाइए।
नशा मौत है, आजाद की मौत है, कल परिवार की मौत है, एक दिन समाज की मौत है, और नशा यदि बढ़ते गया तो पूरे राष्ट्र की मौत है, और भी बढ़ा तो नशा पूरे विश्व की मौत हो जाया करता है। नशे में डूबती हुई ये युवा पीढ़ी समय से पहले सामूहिक आत्महत्या के दौर से गुजर रही है। यह आत्महत्या के अंधे कुएं में छलांग लगाएगी। मान्यवर ध्यान रखिए, क्या करेंगे आप? सरकार भी ऐसी दोहरी नीति जीती है कि एक तरफ तो सरकार ने कानून बना रखा है कि शराब पीकर कोई सड़कों में बहकेगा तो उसे पुलिस वाले उठाकर थाने में बंद कर देंगे। ध्यान रखिए, एक कानून ये है हमारे देश में, और दूसरी तरफ यही अंधी सरकार शराब की लाइसेंस देती है, शराब के ठेके देती है। अब जाकर के पूछो दिल्ली दरबार से, यदि शराब के धड़ल्ले से आप ठेके देंगे, लाइसेंस देंगे, तो पीने वाले खरीद के शराब पिएंगे नहीं तो क्या नाली में डालेंगे? इतना बुद्धू तो हमारा भारत देश नहीं है। याद रखिए, विचार करिए आप, सरकार की यह दोहरी नीति है। चोर से कहती है चोरी करो, साहूकार से कहती है जागते रहो। याद रखिए, बदलना पड़ेंगे ये नीतियां। मैं ये नहीं मानता हूं कि सरकार बदलेगी, कुछ नहीं कर लेगी सरकार। क्या करेगी, वो भी मजबूर है, पीने वालों की जमात लगी, सरकार करे तो क्या करे। क्या बाबूलाल जी गौर जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उस समय में भोपाल में था, उन्होंने अतिक्रमण तोड़वा दिए, जब भी अपनी सीमा से बाहर मकान आया बुलडोजर चलवा दिया, और उनको कहा जाता था बुलडोजर मंत्री, जहां भी हम बुलडोजर चलवा देते थे। मैं उनसे कहा था एक दिन कि मकानों के अतिक्रमण को तो तुड़वा देते हो, बोतलों के अतिक्रमण को भी तुड़वाइए, देश का भला हो जाएगा, देश का कायाकल्प हो जाएगा। एक तरफ तो रहने वाले का मकान तोड़ डालते हो, हर चौराहे हर गलियारे हर नुक्कड़ पर शराब की दुकान भी खुलवाते हो। ध्यान रखिए, आज मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अतिक्रमण नहीं तोड़ना, बेमत तोड़ना चाहिए, राजाज्ञा के विरुद्ध कोई भी काम हमें नहीं करना चाहिए। जिस राष्ट्र में रहते हैं, जिस देश में रहते हैं, राजा के अनुशासन में रहना हमारा फर्ज और दायित्व बना करता है। ध्यान रखिए, सीमाओं का उल्लंघन करोगे टूटेंगे, लेकिन मैं आपसे कहता हूं कोई मंत्री अतिक्रमण तोड़वाता है तो तुम सब मिलके भी तो कोई मैखाने तोड़वा सकते हो, शराब की दुकानें बंद करा सकते हो। अरे जब शराब बिकेगी नहीं तो पिएगा कौन? और यदि सारे लोग शराब पीना ही छोड़ देंगे तो फिर बेचेगा कौन? ध्यान, गलती दोनों तरफ से है, सरकार की भी गलती है और नागरिक की भी बहुत बड़ी गलती है। ध्यान, क्या हो गया मेरे देश को? जिस देश में गंगा बहती है हम उस देश के वासी हैं, गंगा इस देश की लाइफ लाइन है मेरे भाई, मेरे देश की पवित्र गंगा। ऐसा देश है हमारा कि जहां मैदानों में गंगा बहा करती है और मंदिरों में गंदोदक रखा करते हैं, जिसे हम माथे में लगाकर जीवन को धन्य किया करते हैं। मानवत, जिस देश में गंगा बह रही हो वहां शराब की नदियां बहें, शर्म की बात हुआ करती है। गिलासों में जो उबरे वो न डूबे, उबे जिंदगानी में, और हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में। मानवत, एक शराबी शराब पी रहा था, मुझे मिल गए, मैंने कहा शराब क्यों पीते हो? मालूम उसने क्या बोला? मुझे पीने का शौक नहीं। शर्मा मत, आता है। ध्यान रखिए, पीता हूं गम भुलाने को। मैंने कहा पागल एक बात बता, शराब पीने से तू गम भूल जाता है? बोले हाँ महाराज, जितनी देर नशा रहता है उतनी देर तो भूल ही जाता हूं। मैंने कहा पागल, तू तो थोड़ी देर को अपना गम भूल जाता है, मगर याद रख जिंदगी भर को तेरा परिवार गम में डूब जाता है। ध्यान रखिए, अपने थोड़े से गम को भुलाने के लिए पूरे समाज को पूरे परिवार को गम में डुबो देना, इनका ये कोई नीति की बात नहीं हुआ करती है, कोई न्याय की बात नहीं है, ये अन्याय है। हम क्षणिक शौक के लिए पूरे परिवार को तबाह करते हैं। मैंने कहा एक काम कर, गम भुलाना है ना, आज से
से गाना गाना बंद कर दे कि पीता हूं गम भुलाने को। शराब पीने से गम नहीं भूलेगा, लेकिन मैं कहूंगा गंगा में नहा ले, गंदो नक माथे से लगा ले, गंगा में नहाएगा तो चंगा हो जाएगा और शराब में नहाएगा तो भिकमंगा हो जाएगा। ध्यान रखिए, तेरे खाने के भी लाले पर गंगा में डुबकी लगा लो, गम मिट जाएंगे आपके, गंदो नक माथे पर चढ़ा लो, गम मिट जाएंगे आपके, लेकिन शराब ओंठों से लगाओगे जिंदगी भर गम तुम्हारा पीछा नहीं। सुधा सुंदरी के शौकीन जीवन के अंत समय में कुत्ते की मौत मरा करते हैं। ध्यान रखिए, मैं आपसे कह रहा हूं, मैं बस बात आपसे कहने जा रहा हूं, मेरी अपेक्षा है, मेरी भावना है कि तुम कुत्ते की मौत ना मरो। तुम जब भी मरो इस दुनिया से जाओ तो कुत्ते की मौत नहीं, एक संत की मौत दुनिया से विदा हो, तुम्हारा मानव जीवन पाना सार्थक हो सका।